अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तैमूर मालिक है जी। मैं amana.com का हेड ऑफ सेल्स हूँ। आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं इन्वेस्टिंग के और बाइंग के कुछ रूल्स हैं, कुछ आइडियाज हैं जो हम लोगों ने जॉट डाउन किए हुए हैं। ये आपको हेल्प करेगा, प्री रिक्विजिट्स हैं, आप इस तरह समझ लें कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट्स और सोसाइटीज के अंदर। तो ये कुछ पॉइंटर्स हम लोगों ने नैरो डाउन किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऊपर जो है वो लोकेशन आता है जी। लोकेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है, ओल्ड सेइंग भी है, लोकेशन 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 प्रॉपर्टी का सबसे अहम सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। ये एक सोसाइटी हो या एक प्रोजेक्ट हो, आपने फ्यूचर फोरकास्ट में इसको इस तरह जरूर देखना है कि आपका एंट्रेंस एग्जिट रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लोकेशन के हिसाब से किस तरह मैच कर रहा है। जब भी एक इन्वेस्टमेंट करें 3 to 5 years अपने जहन में जरूर रखें और लोकेशन के ऊपर बहुत गौर से एनालाइज करें, चाहे आपकी प्लॉट का लोकेशन हो, आपकी कमर्शियल प्लाजे का लोकेशन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होता है। नंबर 2 पे जी मास्टर प्लान है, कुछ लोग इसको मैप भी कहते हैं। इसको स्टडी कर लें, इसको देख लें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये तो पहले पता हो कि उधर कमर्शियल रेजिडेंशियल या जो आप पर्टिकुलरली चीज ढूंढ रहे हैं, चाहे आप फार्म हाउस ढूंढ रहे हो, वो उधर अवेलेबल है भी कि नहीं। तो मास्टर प्लान स्टडी करें, देखें आपकी सुटेबल लोकेशन के मुताबिक आपको कौन सी बेस्ट चीज रिक्वायर्ड है। इसमें मैं ये भी चीज डिस्कस करना चाहूंगा, एक आपको इन्वेस्टमेंट टिप भी देना चाहूंगा कि कमर्शियल जो है वो हमेशा अप्रिशिएट करता है ज्यादा इन वैल्यू वर्सेस रेजिडेंशियल। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ गौर करें, और क्योंकि 4 to 5 times जो है अपनी वैल्यू अप्रिशिएट करता है और इसकी डिमांड भी हमेशा ज्यादा होती है। और अगर आप घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो फिर हमेशा रेजिडेंशियल की तरफ देखें। थर्डली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ज्यादातर लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं, उनका एक सेट बजट होता है, तो हमें प्राइस प्लान पर गौर करना होता है। प्राइस प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे आप ये भी देखें कि आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप रेजिडेंशियल देख रहे हैं, आप एक कॉर्नर का प्लॉट देख रहे हैं, तो उसकी हमेशा 10% वैल्यू बढ़ेगी। बुलेवार्ड की वैल्यू अनदर 10% होती है, कॉर्नर और बुलेवार्ड की 20% वैल्यू बढ़ती है। ऑलमोस्ट हर सोसाइटी के अंदर यही है, कुछ सोसाइटीज में से ज्यादा, कुछ सोसाइटीज में से कम है। पर आपको प्राइस आपकी बजट के अंदर, आपके इंस्टॉलमेंट्स ले रहे हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट कंसिस्टेंटली आप पे कर सकते हैं, ये ज़हन में रखिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है जी। और एक चीज और प्राइस का कर लीजिएगा, ज्यादातर लोग जो है ये डिस्कस नहीं करते और डिस्क्लोज भी नहीं करते डेवलपमेंटल चार्जेस। मिसाल के तौर पर आज अगर हम एक सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेंगे तो ज्यादातर लोगों ने डेवलपमेंटल चार्जेस उसके अंदर इंक्लूड नहीं किए होते। कुछ लोगों ने इसको ऑन पोजेशन चार्जेस कहते हैं, कुछ लोग इसको डेवलपमेंटल चार्जेस कहते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि डेवलपमेंटल चार्जेस ज्यादातर इंक्लूडेड वैल्यू में नहीं होते, ये एक्सक्लूडेड होते हैं। तो ये कैटेगोरिकली जिस भी सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उनसे लाजिम पूछ लीजिएगा कि वेदर इसकी डेवलपमेंटल कॉस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं। चौथे नंबर पे एमिनिटीज आती है या फैसिलिटीज लोग कहते हैं। आपको आपकी एसेट जो आप लेना चाह रहे हैं उसकी सराउंडिंग के अंदर वो आपको आपकी वैल्यू ऑफ मनी दे रहे हैं कि नहीं, आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो गेटेड कम्युनिटी है, क्या उधर आसपास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, रोजमर्रा की अशिया की कमर्शियल शॉप्स हैं कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सोसाइटी की सक्सेसफुल होने की एक मेजर रीजन ये भी होती है कि उधर आसपास की सराउंडिंग्स के अंदर अच्छी फैसिलिटीज और अच्छी एमिनिटीज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, डेवलपर कौन है, बिल्डर कौन है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। एक डेवलपर की क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन या सॉरी एक डेवलपर के पास जा रहे हैं तो उसने पहले क्या डिलीवर किया है, ऑन टाइम डिलीवर किया है कि नहीं, और आने वाले दिनों में वो डिलीवर कर सकता है कि नहीं, उसके पास इतने फाइनेंसेस, इतनी कैपेबिलिटीज, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी मैन पावर है कि वो डिलीवर कर लेगा कि वो नहीं कर सकता, ये बहुत मैटर करता है, जो हम लोग ज्यादातर फॉरगो कर लेते हैं। पर डेवलपर की क्रेडिबिलिटी और पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड चेक करना लाजिम है। नंबर 6 पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए और हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर अमूमन बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, अनबायस्ड एक ओपिनियन देते हैं, तो उसकी वजह से हम NOC के बारे में बात करेंगे। NOC पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि लीगैलिटी किसी भी सोसाइटी, किसी भी प्रोजेक्ट की हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व्ड। इसमें मैं ये भी एड इन करना चाहूंगा कि NOC, देखिए अगर आप मिसाल के तौर पर RDA की डोमेन के अंदर कोई भी सोसाइटी ले लें, मिसाल के तौर पर कैपिटल स्मार्ट सिटी ले लें, तो आप RDA की वेबसाइट पे चले जा सकते हैं। बस सिंपली पुट गूगल पे आप लिख दें लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स अंडर RDA,
आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आरडीए के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो अप्रूव्ड होंगे वो होंगे। अगर आप कोई और सोसाइटी या उसका नाम उधर नहीं आ रहा तो बेशक लिस्ट ऑफ इलीगल सोसाइटीज या अनअप्रूव्ड सोसाइटीज में देख लें, वहां नाम लाजिम होगा। सीडीए की अगर कोई सोसाइटी या प्रोजेक्ट के हवाले से आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आपको सीडीए कॉल करके उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई डाटा बेस में इस तरह आरडीए की तरह दिया हुआ नहीं है। ये बड़ा सिंप्लीफाइड है और ये बहुत ज्यादा लोग, हमारे से ज्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं कि एक्स वाई और जी सोसाइटी लीगल है कि इलीगल है और उसका करंट स्टेटस क्या है। तो ये बहुत मैटर करता है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। हमें आइडिया है कि हर बूंद बूंद से दरिया बनती है और एसेट जमा करना कितना मुश्किल है, ठीक है जी। और नंबर 7 पे डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, करंटली उसका क्या स्टेटस है और इन फ्यूचर उसका क्या स्टेटस होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक इंस्टॉलमेंट प्लान ले लेते हैं जो 3 साल का है, आज से 3 साल के बाद वो डिलीवर कर सकता है, इज इट पॉसिबल? अभी कंस्ट्रक्शन की क्या सिचुएशन है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सैनिटेशन डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, आगे किधर तक जाएगी और कितना लंबा होगा। देखिए डेवलपमेंट स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि लोग अगर आपको कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसको ऑनर करने के लिए उनको कोई काम दिखाना भी पड़ता है। अगर वो काम नजर ना आ रहा हो तो फिर वो मोस्ट लाइकली डिलीवर नहीं कर सकेंगे ऑन टाइम, ठीक है। लास्टली आपको बुकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि अब आपने एक सोसाइटी की प्राइस देख ली, आपने ये भी देख लिया कि उसकी लोकेशन क्या है, आपने उसका मास्टर प्लान पढ़ लिया, अब आपने डायग्नोस कर लिया है कि उसकी फैसिलिटीज आपकी प्रोपोर्शन के मुताबिक हैं, आपको कन्वीनियंट है, आप बिल्डर से मुतमईन हैं, आपने उसका डेवलपमेंट स्टेटस भी अप्रूव कर दिया है कि जी वो काम कर रहे हैं और इन टाइम डिलीवरी दे देंगे। अब हम बुकिंग प्रोसीजर के ऊपर आते हैं। नॉर्मल बुकिंग प्रोसीजर जो है उसमें आपकी आईडी कॉपी, आईडी कार्ड एंड नाइकॉप या आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट, ये प्लस 2 पिक्चर्स और आपकी नॉमिनी की डिटेल्स भी चाहिए होती हैं, ठीक है। इनकी कॉपीज आपको सबमिट करनी होंगी। ये नॉर्मल बुकिंग प्रोसीजर के अंदर यही होता है, ठीक है। वेदर बैरिया हो, डीएचए हो, आपकी ज्यादातर सोसाइटीज के अंदर ये प्री रिक्विजिट है, आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए बिफोर यू अप्लाई। फिर भी आप गूगल पे जाके देख सकते हैं उस सोसाइटी के ऊपर, और हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डिटेल में लिखा हुआ है हर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और सोसाइटी की बुकिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी लोगों के पास आजकल, मुझे आइडिया है टाइम नहीं होता, रोजमर्रा की जिंदगी में लाइफ बहुत तेज है, तो हमने डिटेल्ड सर्वेज अपनी पूरे सारी सोसाइटीज के बारे में, अपनी प्रोजेक्ट और सोसाइटीज के बारे में लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर amana.com के ऊपर, जिसपे आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यही सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डिटेल में पढ़ भी सकते हैं और हमें कॉल करके कभी भी अप्रोच भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। amanat.com पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।